watch him. बाबा साहब अम्बेडकर पत्रकार भी थे, कानून के ज्ञाता भी थे, वो मजदूरों के नेता भी थे, वो नौजवानों के नेता भी थे, वो जो है महिलाओं के उदाहरण भी थे, तो वो उनको हम जाते धर्म में नहीं होते, वो देश के विद्वान दोस्त होते, देश को आधुनिक भारत में संविधान दिया जिसकी वजह से देश चल रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश को ये सभी लोगों को भारतीय संविधान को पढ़ना चाहिए और भारतीय संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। और ये किसान आंदोलन अधिकारों की बात करेगा तो उसके धारा मोर या उस पर टैग लगा कर उन्होंने काम करते हैं। मैं धर्म को बुरा नहीं कह रहा लेकिन धर्म को तो नहीं दे रहा। धर्म जो है आपने आपके बच्चे का इलाज नहीं करा, आपको पढ़ाई नहीं दे सकता। वो धर्म की तलवार को पीछे रखे ना, ये भाईचारा जो बन रहा है किसान आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत ये बनी कि इससे भाईचारा बन गया सभी लोगों में। ये भाईचारा मजबूत हो हमारा देश जो है ना मजबूत देश बन गया और दुनिया में इसका जो है ना जो पहली पहचान थी सोने की चिड़िया वही बने रहे। किसानों के हक मिले, मजदूरों के हक मिले, नौजवानों के हक मिले, महिलाओं का सम्मान मिले, यहाँ भाईचारा बना रहे, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये मेरा संदेश है। देखिए अदालत तो ठीक है लेकिन ये जो कोलोजियम सिस्टम बना है ये संविधान में इसका कोई आर्टिकल नहीं है, ये संविधान के हिसाब से नहीं बना है, यहाँ के राजनीतिक लोगों ने मिलकर बना दिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, हाई कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, वो सरकार से डरते हैं। सरकार जब दबाव देती है उनके उनके पक्ष में जो काम करते हैं। और मैं आपको भी बताऊँ कई सारे उदाहरण है, कोई राज्य में चला जाता है रिटायर होने के बाद, कोई जो है वो ब्लॉक आयुक्त बन जाता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इतने दिन अच्छे पदों पर रहने के बाद आज उनको क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था समता समानता भाईचारा स्थापित करने का सपना, उसको पूरा करने का मेरा संकल्प है। बहुत धन्यवाद आप बहुत फैसले हैं, बहुत फैसले हैं जो जनता की नजरों में जो है ना। हाँ मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं पूरा आरोप लगा रहा हूँ, ये सच है। आप इनके फैसलों का आकलन करना चाहिए जनता को। देखो ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट, ये हमारे मालिक नहीं है, ये लोग तो दृढ़ जनता मालिक है। तो जनता को उनके हर फैसले में निगाह रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए फैसले में कितना जो है वो धर्म के आधार पर फैसले, आस्था के आधार पर फैसले नहीं लिया। तो मैं शक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा यकीन है और वो मुझे शुक्र साबित करते हैं या मेरे ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करते हैं। ईवीएम जो है सरकार की मशीन है, एवरी होल फॉर होल जो है ना इसका इलाज जो है ना मैं करूँ। मैं का मतलब जो है ना ये मैं करवा दूँ क्योंकि बाबा साहब ने देश में लेकिन बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया। तो ईवीएम जो है ना जिनकी वोटिंग मशीन है इसका इलाज करेंगे और पहले पेपर चुनाव करेंगे। अम्बेडकरवादी होने के लिए प्रधानमंत्री होना जरूरी है। अम्बेडकरवाद जो है एक विचारधारा, प्रधानमंत्री जी को तो ये भी नहीं पता बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते क्या। तो मैं छोटे लोगों की बात नहीं करूँगा, यह महान व्यक्ति थे। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री किसी देश को मिले बना देश का बेटा रखा जैसे हमारे गाँव में। तो प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अम्बेडकरवाद को पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब ये अनपढ़ लोगों को नहीं समझ सकते। धन्यवाद।